मॉर्निंग 8:30 हो रहा है और उसके साथ वेदर ऐसा है, पूरा बारिश एकदम भर के सफेद होके पूरा बारिश हो रहा है। सो वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन, आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो बेसिकली मॉर्निंग में जब मैं काम पे जा रहा था वो टाइम में यहाँ पे धूप निकला था, अभी धूप निकला था करके टेम्परेचर हो गया था करीबन 30 डिग्री तक हो गया था। अभी बारिश हुआ, अभी ये बारिश थोड़ी देर मतलब ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, 15-20 मिनट हो जाएगा ना तो टेम्परेचर गिर के 28 तक हो जाएगा। जैसा मैंने कभी मतलब ब्लॉग जो डेली ब्लॉग मेरा देखते हो उन लोगों को तो पता ही है कि यहाँ का जब बारिश होता है तो टेम्परेचर गिर के 28 हो जाता है, और 28 हो जाता है पहाड़ी एरिया ऐसा खाली एरिया में 28 डिग्री मतलब फील लाइक अ गैंट ऑफ टेम्परेचर। सो बहुत ही प्लीजेंट हो जाता है और बाहर घूमने में तभी मतलब बाहर में घूम घूम के काम करने में मज़ा ही अलग है। लेकिन कल ये सब पर्दा घर का जितना भी पर्दा था वो धो दिया, अभी धो के यहाँ पे सुखाने के लिए रखा था क्योंकि सुबह सनलाइट दिखाई दिया था करके ये सब सुखाने के लिए रखा, लेकिन अभी बारिश हो रहा है, सूखेगा कि नहीं पता नहीं, घर में पर्दा टांग पाएंगे कि नहीं वो भी पता नहीं है। स्पॉटिफाई में गाना बज रहा है लेकिन ये गाना एक टाइम का सबसे हिट गाना था। फकिंग अनप्रेडिक्टेबल वेदर, थोड़ी देर पहले देखो यहाँ पे बारिश कितना काला हो गया था, मेरा कपड़ा वगैरह ये सब, ये पैंट मेरा भीग गया, ये जो पहना हुआ हूँ टी शर्ट ये वाला भीग गया, लेकिन अभी देखो धूप देखो, अभी रेनकोट भी पहन के अगर रास्ते से कोई चलेगा ना लोग बोलेगा पागल चल रहा है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता है। एक चीज़ है क्योंकि सभी को पता है कि यहाँ पे बारिश कब कहाँ पे कैसे होगा किसी को नहीं पता। तो आज बेसिकली हर्ष बेनीवाल का एक वीडियो मैंने डाला है छोटा सा क्लिप करके, बहुत लोग बोलोगे कि एक क्रिएटर का तुम वीडियो डाल रहे हो, ये डाल रहे हो व्यूअर्स के लिए, नहीं वो भी इंडिपेंडेंट क्रिएटर से मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे को अच्छा लगा करके मैं अपना पेज में डाला और कुछ भी नहीं। आज बहुत दिन के बाद जाके थोड़ा धूप दिखाई दिया है लेकिन गर्मी तो एकदम भार के हो रहा है पूरा। उनका भी जितना कपड़ा था मैं यहाँ पे टांग दिया अभी धूप है करके, लेकिन अगर बाई चांस धूप नहीं निकलता है बारिश होता है तो मेरा एकदम लग गया पूरा। सो ये है बेसिकली अंडमान का अनप्रेडिक्टेबल वेदर, सुबह सुबह कोई मतलब धूप था, अभी देखो बारिश का हालत देखो। तो मॉर्निंग में सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट यही लगता है पोहा, मतलब फुल ऑन डाइट है, फुल ऑन डाइट। सो बहुत सारा लोग पूछते रहते हो जो स्टाइल में मैं ब्लॉग बनाता हूँ ये स्टाइल को क्या ब्लॉगिंग स्टाइल बोलते हैं, इसी को बेसिकली डेली ब्लॉगिंग स्टाइल बोलते हैं। सो डेली ब्लॉगिंग स्टाइल में कुछ कुछ फ़ायदा होता है, कुछ कुछ बेनिफिट होता है और बेनिफिट बहुत अच्छा वाला होता है। जैसे बेनिफिट पहले बोले तो डेली ब्लॉगिंग स्टाइल में आपका डेली लाइफ में जो हो रहा है वही आपका ब्लॉगिंग कंटेंट होता है। जैसे अभी मैं खाना पका रहा हूँ तो यही मेरा ब्लॉगिंग कंटेंट, मैं क्या बना रहा हूँ खिचड़ी बना रहा हूँ, तो इसको ही मैं अच्छे तरीके से अच्छे ये करके मैं इसको ब्लॉगिंग में दिखा सकता हूँ, ये होता है डेली ब्लॉगिंग स्टाइल। और इसमें बेनिफिट क्या है, जैसे ट्रैवल ब्लॉग में आपको कहीं जाना पड़ेगा, कहीं घूमना होगा उसके डिटेल्स बोलना पड़ेगा, लेकिन डेली ब्लॉगिंग स्टाइल में ऐसा नहीं है, आप जैसे रेगुलरली घूमने के लिए जाते हो वैसे ही आप ब्लॉग में डाल सकते हो, उसके बाद कुकिंग का बनाओगे। सो कुकिंग का अगर चैनल बनाओगे तो कुकिंग के लिए अलग से आपको वीडियो बना के आपको डालना पड़ेगा, लेकिन डेली ब्लॉग में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद रोस्टिंग का, रोस्टिंग तो फिलहाल डेली ब्लॉग के साथ कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि रोस्टिंग के लिए अलग से एम्बियंस चाहिए, अलग से एटमोसफेयर चाहिए। उसके बाद जो आता है टेक वाला, सो टेक इसमें आता नहीं है। टेक के लिए क्या होता है, आपको अलग से टेक्नोलॉजी के बारे में जानना होता है, किसी भी नया डिवाइस के बारे में, किसी भी नया टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, फिर उसके बाद से अलग से वीडियो बनाना है। लेकिन डेली ब्लॉग में ऐसा नहीं है, आप डेली यूजेस में जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, जो रोस्टिंग पर्पस यूज़ कर रहे हो, जो भी खाना पका रहे हो, जहीं पे भी घूमने जा रहे हो, जो भी खरीद रहे हो, तो उसको ही आप डेली ब्लॉग में डाल सकते हो। डेली ब्लॉग करने के लिए थोड़ा बहुत खर्चा होता है, खर्चा कैसा होता है कि एक अच्छा कैमरा सेटअप चाहिए, उसके साथ एक अच्छा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है, थोड़ा बहुत तो आपको भी उठाना पड़ेगा क्योंकि डेली ब्लॉग देखो कुछ कुछ कंटेंट के लिए, जैसे आपको अगर कुकिंग का चाहिए तो कुकिंग का अच्छा वाला सेटअप होना चाहिए, लेकिन डेली ब्लॉग में उतना कुछ सेटअप नहीं चाहिए। लेकिन हाँ एक अच्छा कैमरा चाहिए, अच्छा कैमरा के लिए आपको अच्छा कैमरा DSLR भी नहीं चाहिए, फ़ोन होना चाहिए जिसमें अच्छा एटलीस्ट वीडियो क्वालिटी होगा और एक अच्छा खासा लाइट होगा, बस उससे ही बेसिकली आज मैं वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हो कि इसको कैसे हम लोग शुरू करें, कैसे ये ब्लॉग बनाते हो नहीं बनाते हो, इसके लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो। सो अभी फिलहाल मैं खाना पका रहा हूँ, वीडियो को यहीं पे एडिट करता हूँ, और वीडियो यहाँ तक अच्छा लगता है आपको, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों का शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।